आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तराखंड में आया सियासी भूचाल, हरक सिंह रावत मंत्रिमंडल से बर्खास्त, भाजपा से 6 साल के लिए हो सकते हैं निष्कासित। उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा का सियासी पारा गर्म, देहरादून से दिल्ली तक टिकट की मची होड़, भाजपा नेता 70 सीटों के पैनलों की लिस्ट लेकर पहुंचे दिल्ली। हरक सिंह की बहू और मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल अनुकृति ने भी ठोकी ताल, कहा कोरोना के कहर के बीच प्रदेश में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन चलेगी बच्चों की क्लासेस। देहरादून में पहली बार संक्रमण दर 21% के पार, 1331 नए मामले किए गए दर्ज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही साथ उन्हें पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हरक सिंह रावत पिछले काफी समय से आगामी चुनाव में मनचाही टिकट के लिए दबाव पार्टी पर बना रहे थे। वो अपनी बहू अनुकृति रावत के लिए भी लैंड्स लॉन्ड सीट से टिकट मांग रहे थे। पार्टी पर दबाव बनाने के मकसद से ही वो कांग्रेस के साथ गतिविधियां बढ़ा रहे थे। हालांकि बीजेपी ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया, जिसके बाद वो नाराज होकर रविवार दोपहर दिल्ली चले गए थे। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर विधानसभा के विधायक सुरेश राठौर ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें हर बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी दी, साथ ही साथ बैठक में कोविड नियमों का पालन भी किया गया। वहीं विधायक ने कहा कि हाईकमान अगर फिर विधायक के पद पर प्रत्याशी बनाती है तो अब की बार फिर बहुमत से जीतेंगे। आज चुनाव प्रबंध समिति जो ज्वालापुर विधानसभा की उसकी बैठक थी। आगे आने वाले जो चुनाव हैं, जो हम 14 फरवरी को चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हमारी हैं। प्रत्येक बूथ के ऊपर मतदान होगा, बूथ के साथ साथ पन्ना प्रमुखता के कार्यकर्ताओं का जो हमने गठन किया वो कितना काम करेंगे, प्रत्येक दिन कितने लोगों से मिलेंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है, ज्वालापुर विधानसभा को पहले से किस प्रकार से हम केंद्र। खबर चमोली से है, जहां प्राणमती गांव में ग्रामीणों ने सड़क सुविधा न होने के चलते गर्भवती महिला को 8 किलोमीटर कंधे में ढोकर सीएचसी पहुंचा रहे थे, तभी प्रसूता ने रास्ते में ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। वहीं ग्रामीणों ने ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। ग्राम प्रधान सरस्वती देवी का कहना है कि साल 2018 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सड़क निर्माण न होने से बीमार ग्रामीणों को कंधे में ढोना हमारी नियति बन गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रसूता को रास्ते में ही प्रसव कराया गया, जहां उन्होंने सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया और सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए गए, जहां बताया गया कि सरकार ने दावा किया था, मुख्यमंत्री ने दावा किया था 2018 में, लेकिन उसके बाद भी सड़क निर्माण नहीं हुआ। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर सुल्तानपुर पट्टी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में पिछले 6 दिनों से धूप नहीं निकली है, जिस कारण ठंड के प्रकोप से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। घना कोहरा और ठंड लोगों को काफी परेशान कर रहा है, लोग अलाव जलाकर रहने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। खबर मसूरी से है, जहां होटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी के समक्ष मसूरी के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। एक ओर जहां शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश ढौंडियाल ने भाजपा का दामन थामा, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका सभासद गीता कुमाई
जशोदा शर्मा के साथ ही दर्जनों लोग भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ती नजर आई, जहां सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बगैर ही लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर रुड़की से है, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार अली बोले कि हमारे सहयोग के बिना नहीं बनेगी सरकार। बता दें कि रुड़की विधानसभा से आजाद समाज पार्टी ने गुलबहार अली को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। आज समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार ने बताया कि हर समाज का समर्थन हमें मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने क्षेत्र का विकास नहीं किया। विकास के मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा, युवाओं को रोजगार हमारे प्रथम मुद्दे रहेंगे। आजाद समाज पार्टी की आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी वर्षों से मेहनत करती है, जातिवाद को ख़त्म करने का काम किया, और जातिवाद ख़त्म होने से देश में शांति होगी। तो बाग अपना रोजगार कोई किसी को खाने के लिए तो दे ही ना, लेकिन लोग बाग शांति से अपना रोजगार को लग जाते हैं और अपना करना करना उनका जीवन सही चलता है। हर समाज का समर्थन। लालकुआ में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रत्याशियों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें लालकुआ विधानसभा से अपने अधिकृत प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे की घोषणा करते हुए शंखनाद कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के तरफ से जारी लिस्ट में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के साथ पार्टी की ओर से घोषित मुक्त बिजली, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए, जो भी उनके बाद उनके द्वारा जो गारंटी पूरा जो भी जारी की गई, उसके अनुसार उस दिशा में कदम उठाऊंगा और उसको पूर्ण करने के लिए पूरा सहयोग करूंगा पार्टी का। और साथ ही ये भी विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं उसके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये मुद्दे पार्टी द्वारा स्पष्ट कर दिए गए हैं, गारंटी भी जारी कर दी गई है, और निश्चित तौर पर वो काम पार्टी आते ही जो उनमें दिशा में कार्य शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक राजस्व ग्राम की बात है, राजस्व ग्राम में थोड़ा समय इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें पार्टी द्वारा एक कमेटी बैठाई गई है। वो कमेटी, क्योंकि इस पार्टी का एक विजन है और एक अपना सिद्धांत है कि जो भी बात कहना है, जो जमीन पर कर सकते हैं उसी बात को कहेंगे, सत्यता के आधार पर ही ये काम करते हैं, और उनके द्वारा बनाया गया जो भी उसमें निर्णय निकलेगा, जिस प्रकार भी सहयोग कर पाएंगे, वो हमारे जो है आप आने वाले समय में मांग। खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर में चुनावी माहौल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एसडीएम हिमांशु कफलटिया, सीओ अविनाश वर्मा के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल और टनकपुर पुलिस टीम ने टनकपुर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने टनकपुर में मनिहार गोठ, सलानी गोठ और मेन चौराहे से होते हुए वापस टनकपुर कोतवाली तक फ्लैग मार्च किया। वहीं उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि उपजिलाधिकारी के निर्देशानुसार हमने टनकपुर में फ्लैग मार्च निकाला और जनता से आग्रह किया कि चुनावी माहौल में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखे। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत हमने आज सीओ टनकपुर और मेरे द्वारा टनकपुर क्षेत्र में और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, मनिहार गोठ और ज्ञानखेड़ा, यहाँ पे एक फ्लैग मार्च निकाला है। चूँकि अभी हमें ITBP की कंपनी अभी हाल ही में हमें मिली है, तो चुनाव हमारा जो माननीय चुनाव आयोग है उसके आदेशों के दृष्टिगत और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और शांति। गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे की ओर से जनपद में जिला पंचायत सभागार में स्थापित MCMC सेल का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने समाचार पत्रों में कई राजनीतिक पार्टियों से संबंधित विज्ञापनों, आदर्श आचार संहिता से जुड़ी हुई खबरों के साथ ही निर्वाचन से खबरों का अवलोकन किया। इस दौरान सेल में स्थापित किए गए TV के माध्यम से विभिन्न चैनलों और केबल नेटवर्क की निगरानी की गई। खबर कलियर से है, जहां हरिद्वार DFO ने कलियर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनियमितता पाने पर एक RM मशीन को सीज कर दिया।
और अन्य मशीनों की जांच की जा रही है। वहीं एसडीएम हरिद्वार धर्म सिंह मीणा ने बताया कि कलियर क्षेत्र की आरा मशीन का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक आरा मशीन सीज की गई है और रजिस्टर भी मैच नहीं कर रहा है और जो लकड़ी के रावन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। मशीन स्वामियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। कुछ आरा मशीनों को सीज किया गया है, इनके जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैच नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं है। जो लकड़ी है और रबन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं। दैट शोज कि वो अभी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सीज किया गया है दस्तावेजों को। और यदि अवैध क्राइम ऑफिस से अवैध सामने आ रहा है तो इसको सीज किया गया है। और यदि इन्होंने पंजीकरण वगैरह और बाकी के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।